में न्यूज़ में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं हूँ आखिरदार, आज हम श्रीनगर में मौजूद है, श्रीनगर के प्रताप पार्क में, जहाँ पे टीचर्स एसोसिएशन आज पिछले 18 दिन से धरने पे बैठी है। उनकी डिमांड क्या है, ये चाहते हैं कि हमें इनको कंटिन्यू किया जाएगा। पिछले 18 दिन से ये प्रोटेस्ट में बैठे हैं, इनकी डिमांड क्या है इसमें हम आपको बताते चले। इसमें जो टीचर्स है वो काफ़ी फार फ्लंग एरिया से आए हैं, चाहे वो टंगडार हो, गुरेज हो, कुलगाम हो, सुपैया हो, या डिस्ट्रिक्ट बाकी जो रेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से इस प्रोटेस्ट में कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। इनकी क्या डिमांड है हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, घर पर से आपको मिलाएंगे। चलिए आप जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम जी मैम, आप कहाँ से? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड से ही कि हमें कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि 10 मई को हमें डिसएंगेज कर दिया है स्कूल से, जबकि अथॉरिटीज की तरफ से हमें लगातार कंटिन्यूसली रिपीटेडली हमें रियश्योर किया गया था कि आपका कंटिन्यूशन होगा। और आपके लिए जो 2006 में जो जॉब पॉलिसी फ्रेम हुई थी उस टाइम के बैच के लिए, तो वही हमारे लिए भी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारा 18 कंजेक्टिव डे है, अभी तक हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैम, आपको लग रहा है आप पिछले 18 दिन से यहाँ पे, आपको लग रहा है कि ये मसला हल हो जाएगा? सर, एश्योरेंस तो है हमें, और हमें एडवाइजर सर और किया है, तो हम इसी याद से यहाँ आते हैं रोज़ की हमारा मसला जल्द से जल्द एड्रेस होगा, मतलब रिजॉल्व किया जाएगा। तो हाँ, हमें बिल्कुल उम्मीद है और हम इसी उम्मीद से यहाँ आते हैं, और बिल्कुल ये करते हैं कि हाँ, हमारा मसला जरूर एड्रेस होगा, हमें जल्द से जल्द कंटिन्यूशन दिया जाएगा, इसकी एश्योरिटी। तो मैम, शुक्रिया हमारे साथ बात करने में। सर, मेरा नाम शुक्रिया अमन है, मैं डिस्ट्रिक्ट भोपाल से हूँ। मेरी ड्यूटी जो है वो टिटवाल में है, बेसिकली मैं दिलदार में रहता हूँ। अब ऐसा होते हुए भी हम जो कोशिश करता हूँ कि जो मेरी ड्यूटी है वो हैंडल हो। अब ऐसा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है वो उसने हमें 10 मई को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो हमें कंटिन्यू करें। बस हमारे साथ अभी ये बारामूला से जो मैडम आई थी, हम उनसे बात की है, उनका यही कहना है कि हमें उम्मीद है। अब हम उनको यही कह सकते हैं कि हम उनके दुनिया का आए, उन्होंने यही कहा कि हम 18 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, तब तक हम यहाँ से नहीं निकलेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल में है यह टीचर्स एसोसिएशन अभी, क्योंकि 18 दिन से ऊपर से यहाँ पे रमज़ान का महीना चल रहा है, तो मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन